मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। पाई बॉन्ड को ऐसे। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैप, मतलब एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में या फिर एक हेड से दूसरे हेड के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग। जैसे कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल के अंदर स्फेरिकल एक एस की दूसरे एस के साथ क्या होगी, बॉन्डिंग हो गई एंड टू एंड। और पाई बॉन्ड में क्या होती, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती, एक साइड से दूसरी साइड के बीच में। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनती है, जब ओवरलैपिंग होती है SS, SP और PP ऑर्बिटल में। और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब P ऑर्बिटल्स में ही ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग मीन्स एक के ऊपर एक को कवर करना। सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है, फ्री रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के आसपास इजीली सिग्मा बॉन्ड घूम सकता, लेकिन पाई बॉन्ड इजीली रोटेट नहीं कर सकता। The energy released in the formation of sigma bond is large. जब sigma bond बनते हैं तो जो energy निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो energy release होती है in the formation of pi bond बहुत small है, थोड़ी है। तो अगर हम लोग sigma और pi bond का difference पढ़ें तो वो क्या है कि sigma bond end to end overlapping करते हैं या head, ये side wise overlapping करते हैं। ये strong bond है, ये weak bond है। ये SS और SP या PP की ओवरलैपिंग से बनती है, ये सिर्फ P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के आसपास बिल्कुल फ्री रोटेशन होती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे एनर्जी जब रिलीज होती है, सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है और यहाँ पे एनर्जी कम निकलती है। ये डिफरेंस हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तब तक के लिए आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के डिफरेंस को पढ़िए और प्लीज स्टूडेंट्स अपने नोट्स भी बनाइए। थैंक यू।